अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बाबर, आप देख रहे हैं सैयद इन्फो यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, भविष्य हयात ने यूट्यूबर के खिलाफ कोर्ट से राबता कर लिया है और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पीटीए और एफआईए को ऑर्डर दिया है कि इनके खिलाफ मवाद को हटाया जाए और 26 जनवरी को रिपोर्ट पेश की जाए। आप देख रहे हैं सैयद इन्फो यूट्यूब चैनल। इस तरह की बातें और इल्ज़ाम बेबुनियाद, फॉल्स एलिगेशंस और एक तरह की कॉन्सर्टेड कैंपेन है जो कि वॉज ऑन गोइंग और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आई। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा नया साल इस तरह शुरू होगा कि मैं अपने ऊपर किए जाने वाले कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से मुझे अदालत के दरवाजे तक आना पड़ेगा। लेकिन हियर आई एम, क्योंकि मेरे सब्र की, मेरी बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो चुकी है एंड आई फील कि जो भी ये इस तरह की कैंपेन्स चलाते हैं या इंसिनुएशन करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, साथ साथ उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के झूठ को, इस तरह की बकवास को, अफवाहों को आज के दौर में जबकि बड़ी इजीली चीज़ों को फैब्रिकेट किया जा सकता है, बड़ी इजीली फेक चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मुझे हैरत होती है कि लोग किस तरह इस चीज़ को मान लेते हैं। सो यही कहूँगी कि जितने भी लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं, मैं यहाँ पे अपनी फ्रेटर्निटी की तरफ से खड़ी हूँ, यहाँ जितनी ख़वातीन हैं मेरे मुल्क की, मैं उनकी तरफ से खड़ी हूँ यहाँ ये बताने के लिए कि किसी औरत के किरदार पर इस तरह किसी को भी कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है और मैं अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए यहाँ अदालत आई हूँ इंसाफ की उम्मीद लेकर कि जितने भी लोग जो ये कर रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसी की इस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन करना, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना, हार्मफुल गॉसिप फैलाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये तमाम चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस हैं। इन्फो यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हम बर वक्त आपको बाखबर रख सकें। इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड अवर चैनल येट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर क्विक एंड कंफर्म न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।